हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेरा प्लेटफॉर्म। आज हम एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हर एग्ज़ाम में आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। एक या दो मार्क तो मिल ही जाएगा कम से कम। सो लेट्स डिस्कस। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन होता क्यों है। तो जब भी कोई पॉल्यूटेंट्स एयर के अंदर जब आ जाते हैं, मतलब ऐसा कोई पार्टिकल्स आ जाते हैं जो कि हमारे एयर को पॉल्यूशन कर देते हैं, उसे उसके वजह से क्या होता है, हमारा एयर पॉल्यूट हो जाता है, तो जिसे हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। सो जो एयर पॉल्यूशन होता है वो किस किस वजह से होता है, रीजंस क्या क्या हैं। तो पहला रीज़न जो होता है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होता है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का मतलब क्या है, जो पॉल्यूटेंट्स डायरेक्टली आके एयर में मिक्स हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। सो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जैसे कि अगर देखा जाए कि जो हमारे इंडस्ट्रीज़ होते हैं, तो उसमें से क्या होता है, डायरेक्ट चिमनी के थ्रू जो हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो डायरेक्टली आके एयर में मिल जाते हैं, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। तो वो डायरेक्टली एयर के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। सो वेरियस प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जिसे बोलते हैं, SO2 हो सकता है, SO3 भी हो सकता है, CO, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जैसे कि NO, NO2, लीड, हाइड्रोकार्बन्स, एलर्जिक एजेंट्स लाइक पॉलेंस एंड स्पॉर्म्स, ओके, देन H2S, H2F, ओके, देन वैसे ही सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। और एक होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो होता है, दो या उससे ज़्यादा प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के साथ जब मिल जाते हैं तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बन जाते हैं। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कैसे क्रिएट होते हैं, दो या दो से ज़्यादा प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जब मिलते हैं तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में आ जाएगा आपका H2SO4, ओजन आ जाएगा, पैम आ जाएगा, पैन जिसको हम बोलते हैं पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओके, देन फॉर्मल्डिहाइड्स हो सकता है, ओके, देन अब नेक्स्ट बात ये करेंगे कि मतलब हम इस टॉपिक में यही डिस्कस करेंगे जो कि पर्टिकुलरली जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, मतलब ये इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो जैसे अभी ये नॉर्मल बातें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें पता है कि सबसे नीचे वाला लेयर जो होता है वो ट्रॉपोस्फीयर होता है। तो ट्रॉपोस्फीयर के ऊपर हम जैसे जैसे जाते हैं क्या होता है, हाइट इंक्रीज़ होता जाता है लेकिन टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। तो वो जो टेम्परेचर जो है जिस रेट में डिक्रीज़ होता है उस रेट को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट, ओके, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। सो अब ये जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट होता है वो क्या होता है, व्हेन द पॉल्यूटेड राइजेस इनटू द एटमॉस्फेयर इट्स टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेस। तो वो बोल रहा है कि जैसे कि टेम्परेचर जो हमारे एनवायरमेंट में पॉल्यूटेंट्स जो हैं जब राइज होते रहता है तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ओके, वैसे ही हमारा डिक्रीज़ होता है। तो हमें ये बात तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम हाइट को बढ़ाते हैं टेम्परेचर वैसे वैसे इंक्रीज़ होता जाता है। तो यही बात बोल रहा है। तो वो जो इंक्रीज़ हाइट को इंक्रीज़ करो टेम्परेचर डाउनफॉल हो जाता है, उसे लेके हम दो पार्ट को लैप्स रेट जो होता है वो लैप्स रेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि होता है एनवायरमेंटल लैप्स रेट और एक होता है एडियाबेटिक लैप्स रेट। देखो एनवायरमेंटल लैप्स मतलब कि लैप्स रेटिंग कैसे, मतलब कि किस हिसाब से वो जो टेम्परेचर जो होता है वो रिड्यूस होता है ना, जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाता है टेम्परेचर रिड्यूस होता जाता है, तो जिस रेट से होता है उसे बोलते हैं लैप्स रेट। तो वो जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट और एक होता है एडियाबेटिक लैप्स रेट। तो एनवायरमेंटल लैप्स रेट के बारे में अगर देखा जाए तो उसका जो वैल्यू होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से चलता है। और एडियाबेटिक लैप्स रेट जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ड्राई प्रोसेस चलता है, एक होता है वेट प्रोसेस। तो अगर एवरेज में देखा जाए तो वो 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर से लेके 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर तक चलता है। तो यहाँ पे हम इसी ये जो एडियाबेटिक लैप्स रेट है और एनवायरमेंटल लैप्स रेट है उसको लेके हम इसे मतलब एनवायरमेंट को चार टाइप के एनवायरमेंट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि उस वो दोनों जो फैक्टर्स हैं जो पैरामीटर्स हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट मतलब ELR और एडियाबेटिक लैप्स रेट ALR, वो दोनों को लेके हम एनवायरमेंट को चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उससे पहले
ये बात डिस्कस करना जरूरी है कि अब कोई भी जार या फिर कोई भी पैन या फिर किसी में भी एक वाटर, जैसे हम नॉर्मली घर पे क्या करते हैं, मतलब कि जब वाटर को बॉईल करते हैं, ठीक है, फ्लेम में, हाई फ्लेम या लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम, जिस फ्लेम में भी वाटर बॉईल करो, होता क्या है कि नीचे, मतलब कि नीचे वाला जो वाटर होता है उससे वो हीट हीट होने से पहले क्या होता है, ऊपर वाला वाटर हीट होता है। उसका रीज़न क्या होता है, ये होता है कि जो फ्लेम हम देते हैं वाटर में तो क्या होता है, नीचे वाला जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट हो जाते हैं। हीट होके क्या होते हैं, वो बहुत ही लाइट वेट हो जाते हैं, और लाइट वेट होने के वजह से क्या होता है, वो ऊपर चले जाता है, ठीक है। इसलिए हमें ऊपर वाला पानी ज़्यादा गर्म लगता है एज़ कम्पेयर टू नीचे वाला, ठीक है। तो यही वाला फंडा जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे एयर पॉल्यूशन के साथ चलता है, एयर के साथ भी वही होता है, ठीक है। तो होता क्या है, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अब देखो होता क्या है कि जैसे पॉल्यूटेंट जो होता है वो रिलीज जो इन एटमोसफियर इज टर्न एज प्लम, ओके। और जिससे वो पॉल्यूटेंट्स और मतलब कि ओरिजिन होते हैं वो उसको बोलते हैं स्टैक, ओके, वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले ये बात भी जानना ज़रूरी है कि एनवायरमेंटल लैप्स रेट और एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये दोनों को हम क्या समझे, मतलब इसका मतलब क्या होता है। तो होता क्या है, देखो एडियाबेटिक लैप्स रेट जो होता है वो हमारा, जैसे कि हमें ये सब, हम सबको ये पता है कि जैसे जैसे हाइट हम जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं हमारा टेम्परेचर रिड्यूस होता है। तो ये जो है एक्चुअली यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर चलता है एडियाबेटिक, जो कि हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। ये हमें पता है ना कि जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे हाइट टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा, तो इसके ऊपर में ये बेस है। एनवायरमेंटल लैप्स रेट में क्या होता है, अब होता क्या है कि एडियाबेटिक को अगर देखा जाए तो उसे हम एवरेज के हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है। जो सा भी कंडीशन हो हम उसे नहीं देखते हैं, एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट मतलब कि ठंडा है या फिर गर्म है वो सब हम कुछ नहीं देखते, विंटर है या समर है वो सब को बिना फोकस करते हुए हम एडियाबेटिक को बस नॉर्मल कंडीशन के बेसिस पे ले लेते हैं, ठीक है। बट एनवायरमेंटल में क्या करा जाता है, जैसे कि हमें पता है कि जैसे कि हम ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे क्या होगा, टेम्परेचर रिड्यूस होता जाएगा। बट वहाँ पे अगर समर सीज़न है, मान लो अगर समर सीज़न है, समर सीज़न में क्या होगा कि नीचे वाला जो है, नीचे वाला पोर्शन जो अर्थ सरफेस है वहाँ पे क्या होगा, वो हीट हॉट होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। अब मान लो विंटर सीज़न है, हम यहाँ पे एक्चुअल को देख रहे हैं, मतलब कि उस वक्त कौन सा सीज़न चल रहा है, कैसा टेम्परेचर है, कैसा एनवायरो है, सबको हम फोकस कर रहे हैं। तो ये जो एनवायरमेंटल देखते हैं ना, एनवायरमेंटल में हम एक्चुअल को देखते हैं कि अभी का मौसम कैसा है, अभी कैसा क्लाइमेट है, ठीक है। तो अब विंटर के टाइम पे क्या होगा, हमारा विंटर के टाइम में क्या होता है, जो अर्थ सर्फेस होता है बहुत ही कूल होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना वहाँ पे क्या होगा कि हमें जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन समर में क्या होता है, नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो बहुत ही गर्म होता है, तो हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमें ठंडा फील होता है, टेम्परेचर रिड्यूस होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो हमने दो चीज़ें देखा, एनवायरमेंटल लैप्स रेट और एडियाबेटिक लैप्स रेट, ठीक है, एनवायरमेंटल में देखें कि एक्चुअल सिचुएशन को देखते हैं और उसे हम एक्चुअली एनवायरमेंट में क्या करते हैं, हम एक्चुअल सिचुएशन को देखते हैं, एक्चुअल क्लाइमेट को देखते हैं। बट एडियाबेटिक में क्या किया हमने, ओनली जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे ऊपर मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में जो देखा जाता है वो देखा हमने। तो ये दोनों को लेके हम एनवायरो को चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट को क्या करते हैं, सुपर एडियाबेटिक, ओके, सुपर एडियाबेटिक या फिर अनस्टेबल। तो देखो अनस्टेबल कब होगा, जैसे कि क्राफ, ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है ये टेम्परेचर वर्सेस हाइट पे किया है, ठीक है। तो अब देखो जो होता है एडियाबेटिक लैप्स रेट वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट में चलेगा, ठीक है। अब देखो ये जो ड्राइंग में दिख रहा है कि ग्राफ में दिख रहा है, एडियाबेटिक जो है वो हर ड्राइंग हर ग्राफ में सेम पोजिशन पर रहेगा, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बस चेंज होगा, अनस्टेबल बोला है। तो अनस्टेबल में होता क्या है कि ELR जो है, ठीक है, ELR जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। तो वो जो ग्राफ होता है ALR के नीचे होता है ELR, ठीक है, ये ग्राफ को हमें समझना है, ठीक है। तो अभी अनस्टेबल के कंडीशन में बोल रखा है, तो अनस्टेबल कब होगा, जब ALR जो है वो एडियाबेटिक जो हम लोग का नॉर्मल कंडीशन जो है उससे अगर ELR, ठीक है, एक्चुअल कंडीशन जो है वो ज़्यादा हो जाए,
तब हम उसे क्या करते हैं, अनस्टेबल ले लेते हैं, ठीक है। वैसे स्टेबल में, अगर अनस्टेबल कब होता है, अनस्टेबल के केस में क्या होता है, ELR ज़्यादा हो जाता है ALR से, तो स्टेबल कब होगा, ALR तो अपना पोजीशन में ही रहेगा, लेकिन ELR जो होगा वो उससे कम होगा, ठीक है। देन थर्ड, न्यूट्रल। न्यूट्रल में पता है कि ELR इज इक्वल टू ALR, ELR जो होगा वो LR। तो देखो, P से हम डिनोट किए हैं ALR को, एंड ELR को डिनोट किया है हमने A से, ठीक है, ये बात को देखना है, ओके। अब देखो, एक होता है नेगेटिव लैप स्टेट। नेगेटिव लैप स्टेट जो है वो कब होता है, विंटर सीजन में। विंटर सीजन में मुझे पता है जब ग्राउंड लेवल का टेम्परेचर जो है वो कम होता है ना, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो ये वाला हो जाता है हमारा नेगेटिव लैप स्टेट। तो यहाँ पे ड्राइंग ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो P देखो, ALR मैंने कि एडियाबेटिक लैप्स रेट, वो अपने पोजीशन पे हैं। पी हमने डिनोट किया है ALR से, तो वो अपने पोजीशन पे हैं, ठीक है। और ए, ठीक है, ए जो है, ए मतलब कि ELR, जो भी चेंजेस होगा ELR में ही होगा, ALR में वो अपना कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो हम नॉर्मल कंडीशन पे ले रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक्चुअल कंडीशन को देख लेते हैं जब, कि एनवायरमेंटल लैप्स रेट क्या होगा, तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इंडस्ट्रीज़ के चिमनियों से जैसे भी, मतलब जो निकलते हैं एयर पार्टिकल्स, ठीक है, उसकी वजह से वो कैसा कैसा सिचुएशन क्रिएट करता है, ये बात को ध्यान में रखते हुए हम वेरियस टाइप ऑफ सिचुएशन देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर भी करें, ओके। सो पहला बात है लूपिंग प्लम, ओके। लूपिंग प्लम में क्या देखते हैं हम, लूपिंग प्लूम में देखो, ग्राफ में एक्चुअली ग्राफ जो दिखाया है, लूपिंग प्लूम में क्या होता है, वो ना कुछ अनस्टेबल सुपर, ठीक है, सुपर एडियाबेटिक कंडीशन क्रिएट करता है। सुपर मतलब क्या था, हमने यहाँ देखा, सुपर का मतलब ये था कि अनस्टेबल कंडीशन क्रिएट करेगा, सुपर जितना नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा, तो सुपर क्रिएट कर देता है। लेकिन सब मतलब कम, लिमिट में है सब, ठीक है, तो सुपर एडियाबेटिक कंडीशन क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब अनस्टेबल कंडीशन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे फ्लम जो होता है वो क्या होता है, सॉरी प्लूम का मतलब क्या होता है, जो भी एयर पॉल्यूटेंट्स जो रिलीज होते हैं, ठीक है, जो निकलते हैं एटमोसफियर में जाते हैं, रिलीज होते हैं, वो हम बोलते हैं प्लूम, ओके। और जो उसका ऑरिजिन है, जहाँ से वो निकल रहा है, उसको बोलते हैं हम स्टैक, ठीक है। तो सुपर एडियाबेटिक में क्या होता है कि चिमनी से जो निकलता है प्लूम, वो ना निकलते ही चारों तरफ बिखर जाता है, ठीक है, डिस्पर्स हो जाता है चारों तरफ, ओके। तो ये वाला जो क्रिएट हो जाता है वो अनस्टेबल कंडीशन क्रिएट करता है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो कुछ सुपर एडियाबेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट की बात करते हैं न्यूट्रल प्लूम, ठीक है। न्यूट्रल प्लूम में क्या होगा, न्यूट्रल के केस में क्या होगा, ELR इज इक्वल टू ALR, और इसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ पता है कि जिस लाइन पे ALR होगा उसी लाइन पे ELR होगा, ओके। देन नेक्स्ट देख लेते हैं कोनिंग प्लूम। देखो कोनिंग प्लूम में होता क्या है, देखो कोनिंग प्लूम में कुछ ऐसा, जो हम लोग का प्लूम होता है ना, वो जब चिमनी से निकलेगा ना, कुछ कोन शेप क्रिएट करेगा, और कोन शेप क्रिएट करेगा, और वहाँ पे कंडीशन हो जाता है कि ये कंडीशन कब क्रिएट होगा, जब विंड वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर देन 32 किलोमीटर पर आवर होगा। एक कंडीशन वी हैव टू रिमेंबर कि विंड वेलोसिटी जब 32 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होगा, तब हमारा कोनिंग प्लूम क्रिएट होगा, और वो क्या होगा, स्टेबल कंडीशन क्रिएट करेगा, ओके। ये बात भी हम देख लेते हैं कि ये जो कोनिंग प्लूम होता है वो हमारा स्टेबल कंडीशन क्रिएट करता है। तो स्टेबल कंडीशन के केस में भी नो दैट स्टेबल कंडीशन क्या बोलता है कि ELR जो है वो लेस देन ALR है, जो कि सब एडियाबेटिक कंडीशन को लेता है। तो यहाँ पे एनवायरमेंट है जो कि स्लाइटली स्टेबल होता है, ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं फ्यूमिगेटिंग प्लूम, ओके। फ्यूमिगेटिंग प्लूम में क्या होता है, हाँ, फ्यूमिगेटिंग प्लूम में क्या होता है कि होता क्या है, देखो यहाँ पे हम ड्राइंग देख सकते हैं आराम से, ओके। ये ड्राइंग में शायद ही कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा है, हम नेक्स्ट ड्राइंग देखते हैं। ये देखो होता क्या है, फैम्यूगेशन बोल सकते हैं या फिर फैम्यूगेटिव बोल सकते हैं प्लूम, ओके। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये शायद
तो वन सेकेंड, सॉरी। उसके बाद हमारा है फैनिंग प्लूम, ओके। हाँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैनिंग प्लूम के बारे में। फैनिंग प्लूम में क्या होता है, वो टोटली हमारा इनवर्स, मतलब इनवर्स नेगेटिव वो लैप्स रेट क्रिएट कर देता है, ठीक है, जहाँ जो कि विंटर सीजन में क्रिएट होता है कि नहीं। ओके, देख लेते हैं। या फैनिंग प्लूम, देखो यहाँ पे साफ लिखा है अंडर एक्सट्रीम, हाँ यहाँ पे है इसका पिक्चर, इसका जो ग्राफ है वो कुछ यहाँ पे है। तो फैनिंग प्लूम में क्या होता है, टोटली एक्सट्रीम इन्वर्शन कंडीशन क्रिएट कर देता है, जो जहाँ पे कि जो ड्राइंग जो होता है वो ए एल आर जो होता है वो तो अपने पोजिशन पर रहता है, लेकिन ई एल आर जो होता है वो नेगेटिव के तरफ चल जाता है। तो फैनिंग प्लूम जो होता है वो टोटली ही इन्वर्शन, एक्सट्रीम इन्वर्शन कंडीशन क्रिएट कर देता है। ओके, इमिशन विल स्प्रेड ओनली हॉरिजेंटली, तो यहाँ पे इस केस में जो चिमनी से हमारा एयर पार्टिकल्स निकलता है वो टोटली हॉरिजेंटली ही मूव करता है। ओके, और यहाँ पे हाई राइजिंग स्टैक्स का ज़रूरत होता है, जो स्टैक्स जो होता है, जो ओरिजिन होता है हमारा प्लूम का, वो जो ओरिजिन उसे बोलते हैं स्टैक्स, और उस स्टैक्स को स्टैक्स हमारा हाई राइजिंग ज़रूरत होता है वहाँ पे। ओके, देन लॉफ्टिंग प्लूम, ओके। तो लॉफ्टिंग प्लूम के केस में होता क्या है कि नीचे की तरफ जो होगा, नीचे की तरफ जो होगा, मतलब पहले तो सबसे पहले वो जो हमारा होगा नेगेटिव लैप्स रेट के अकॉर्डिंग चलेगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल कंडीशन में चल जाएगा। अनस्टेबल मतलब कि सुपर एडियोबेटिक केस में चल जाएगा। तो देखो वो बोल रखा है व्हेन देयर एग्जिस्ट ए सुपर एडियोबेटिक लैप्स रेट अबव सरफेस इन्वर्शन, मतलब कि पहले तो इन्वर्शन में चलेगा, ठीक है, जो कि नेगेटिव लैप्स रेट में था इन्वर्शन। देखो यहाँ पे ड्राइंग में पूरा हमें साफ दिख रहा है कि सबसे पहले जो है वो इन्वर्शन के रेट में चल रहा है। ओके, एक मिनट, यहाँ से हम लोग आराम से देख सकते हैं। देखो लॉफ्टिंग में, लॉफ्टिंग में वो टोटली दिखा रखा है। देखो सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो ग्राफ होगा सबसे पहले हमारा इन्वर्शन केस में चलेगा, और इन्वर्शन के बाद, और इन्वर्शन के बाद वो स्टेबल कंडीशन में आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है ये ना बहुत ही आइडियल कंडीशन होता है, ठीक है, आइडियल कंडीशन होता है। इट इज़ रिफर्ड एज मोस्ट आइडियल फ्लूम विच इज़ जनरली फाउंड इन विंटर, एज इन इन दिस केस पॉल्यूटेंट आर नॉट एबल टू क्रॉस इन इन्वर्शन लेयर बिलो इट। ओके, तो यहाँ पे जो होता है इन्वर्शन पहले हमारा इन्वर्शन होगा, ठीक है, इन्वर्शन मतलब ही नेगेटिव लैप्स रेट, उसके बाद जो होता है वो अनस्टेबल कंडीशन में आ जाता है। दो केसेस यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि व्हेन देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट अबव सरफेस इन्वर्शन, सच प्लूम हैज़ मिनिमम डाउनवर्ड मिक्सिंग एज इट्स डाउनवर्ड मोशन इज प्रिवेंटेड बाय इन्वर्शन, बट अपवर्ड मिक्सिंग विल बी रैपिड एंड टर्मेंट। तो यह बोल रखा है क्या कि डाउनवर्ड मिक्सिंग जो होगा वो हमारा प्रिवेंट करा जा रहा है। डाउनवर्ड मतलब कि हम यहाँ इस केस में क्या देखते हैं कि हमारा जो प्लूम है वो ग्राउंड सर्फेस से कितना नज़दीक है, ठीक है, जितना नज़दीक होगा उतना ही हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो हम यही देखते हैं, तो वो बोल रहा है कि डाउनवर्ड मोशन को तो हम प्रिवेंट कर लेते हैं, बट जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वो बहुत ही रैपिडली होता है। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं फ्यूमिगेटिंग प्लूम। फ्यूमिगेटिंग प्लूम में क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ को समझ जाएँ तो बाकी सारा हमारे लिए ये सही होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, व्हेन इन्वर्शन लेयर ऑकर्स एट ए शॉर्ट डिस्टेंस अबाउट टॉप ऑफ द स्टैक, तो इस केस में होगा क्या कि सबसे पहले अनस्टेबल कंडीशन क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि सुपर एडियाबेटिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद वो इन्वर्शन में चल जाएगा, मतलब कि नेगेटिव लैप्स रेट में चल जाता है, ठीक है। तो व्हेन एन इन्वर्शन लेयर ऑकर्स एट ए शॉर्ट डिस्टेंस अबाउट द टॉप ऑफ द स्टैक, ओके, एंड सुपर एडियाबेटिक कंडीशन प्रिवेल बिलो स्टैक, तो सुपर एडियाबेटिक कंडीशन मतलब कि जो अनस्टेबल कंडीशन है वो नीचे क्रिएट हो रहा है, ऊपर के केस में इन्वर्शन क्रिएट हो रहा है। पॉल्यूटेंट्स कैनॉट एस्केप अबव द टॉप ऑफ द स्टैक बिकॉज ऑफ इन्वर्शन लेयर, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पॉल्यूटेंट्स को हम एस्केप नहीं कर सकते हैं अबव द टॉप ऑफ द स्टैक, जो भी ओरिजिन है उसके ऊपर से हम एस्केप कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इन्वर्शन हो जा रहा है। तो ऊपर के केस में हम क्या कर सकते हैं, पॉल्यूटेंट को नहीं एस्केप कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इन्वर्शन लेयर, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इन्वर्शन जो है वो बहुत ही डेंजरस है, मतलब कि नेगेटिव की तरफ चल जा रहा है ना, तो ये यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं। ओके, देन ट्रैपिंग प्लूम। ट्रैपिंग प्लूम के केस में क्या होता है,
ट्रैपिंग मतलब कि किसी किसी चीज़ के बीच में, मतलब कि दो चीज़ है उसके बीच में कुछ ट्रैप कर जाना, तो उसे बोलते हैं ट्रैपिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्टेबल कंडीशन जो होता है वो क्या कर जाता है, दो इन्वर्शन के बीच में ट्रैप कर जाता है। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए यहाँ से हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले क्या है, इन्वर्शन का केस आ रहा है, उसके बाद अनस्टेबल का केस आ रहा है, और उसके बाद इन्वर्शन का केस आ रहा है। तो यहाँ पे जो अनस्टेबल का केस है वो दो इन्वर्शन के बीच में आ जा रहा है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ द प्लूम जो होता है कैरेक्टरिस्टिक बाय अनस्टेबल एनवायरनमेंट एग्जिस्टिंग बिटवीन टू इन्वर्शन। तो अनस्टेबल एनवायरनमेंट जो हो रहा है दो इन्वर्शन के केस में क्रिएट हो रहा है। ओके, और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। हाँ, पॉइंट सेम ही है। व्हेन इन्वर्शन लेयर एग्जिस्ट अबव द इमिशन सोर्स एज वेल एज बिलो द सोर्स, मतलब कि इन्वर्शन जो है वो अबव में भी क्रिएट हो रहा है, बिलो में भी क्रिएट हो रहा है, नेचुरली द इमिटेड प्लूम विल नाइदर गो अप नॉर डाउन। ओके, तो अभी ये बात है कि नेचुरली ऐसा कुछ नहीं होता है कि प्लूम ना ही तो ऊपर जाता है ना ही नीचे आता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कैसा कैसा। अभी देखो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम वेरियस मैकेनिकल डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैकेनिकल डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं वो क्या 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 यूज़ कर सकते हैं, और उस मैकेनिकल डिवाइसेस के थ्रू कितने साइज ऑफ द पार्टिकल्स मैक्सिमम हम रिमूव कर सकते हैं वो बात भी देख लेते हैं, और उसका एफिशिएंसी कितना है वो भी देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर, ओके, इसका जो साइज़ होता है ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर होता है, और एफिशिएंसी जो होता है 50% होता है। सेंट्रिफ्यूगल कलेक्टर इंक्लूडिंग साइक्लोन कलेक्टर फॉर्स और सेपरेटर्स एंड डायनामिक प्रेसिपिटेटर, उसका जो साइज़ होता है 5 से 25 माइक्रोमीटर होता है, और एफिशिएंसी 30 से 90% दिया जाता है। वेट स्क्रबर्स ऑफ कलेक्टर्स इंक्लूडिंग स्प्रे टावर्स, ओके, उसका जो वहाँ पे जो पार्टिकल साइज होता है वो होता है ग्रेटर देन 10, एंड एफिशिएंसी ऑफ द रिमूवल जो होता है वो 80% लिया जाता है। साइक्लोनिक स्क्रबर्स जो कि ग्रेटर देन 2.5 होता है, और रिमूवल का एफिशिएंसी 80% से कम होता है। ओके, वेंचुरी स्क्रबर्स जो कि ग्रेटर देन 0.5 होता है, एंड इसका एफिशिएंसी जो होता है 99% से ज़्यादा होता है। तो ये सही है हमारे लिए, 99% है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जिसका जो साइज़ है मतलब ग्रेटर देन 1, मतलब कि ये सही है कि 1 माइक्रोमीटर साइज से भी बड़ा पार्टिकल को ये रिमूव कर पा रहा है, तो सही है, 95 से 99% वो रिमूव करता है, मतलब एफिशिएंसी है उसका। फैब्रिक फिल्टर जो कि लेस देन 1 एंड एफिशिएंसी इज 99%, ओके, 99%, ओके। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।